तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद तूफान बिपरजॉय ने अब राजस्थान पर अटैक कर दिया है। तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान में एंटर कर चुका है। 16, 17 और 18 जून राजस्थान के 5 जिलों के लिए बहुत भारी है। वो 5 जिले हैं जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, अजमेर। मौसम विभाग ने इन 5 जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। वही रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइटें भी कैंसिल की गई हैं। जालोर जिले के सांचौर में रात से रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। यहां के कई गांव में बीती रात से बिजली तक नहीं आ रही है। वहीं डूंगरपुर के नौगामा गांव में देर रात तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई। चक्रवाती तूफान के असर से बाड़मेर में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई। बरसात से जगह जगह पानी भर गया, जगह जगह पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। जोधपुर में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीएम गहलोत ने 16-17 जून के दौरान राजस्थान वासियों से अनुरोध किया है कि तेज हवा और मेघ गर्जन के दौरान घरों या सुरक्षित स्थानों पर रहें। तेज हवा और बारिश और बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे और मकानों में शरण लेने से बचें और कच्ची दीवार के पास खड़े ना हों। तेज आंधी के दौरान बिजली के तारों के टूटने और खम्भों के गिरने की आशंका रहती है, अतः उसमें सावधानी बरतें। बिजली के तारों के नीचे और खम्भों के पास वाहन खड़ा ना करें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। विद्युत खंभों, तारों और ट्रांसफार्मर आदि से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। पानी के तेज बहाव में वाहन ना उतारें। किसी भी प्रकार की पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों में शामिल बिल्कुल ना हो। गुजरात के बाद राजस्थान में कितनी तबाही मचेगी ये तो 19 जून को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप सीएम गहलोत की दी गई सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखें।